हिमालय की घाटी में बसा उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर। ये शहर महाराजा दुष्यंत, सम्राट भरत से लेकर महात्मा विदुर तक की कर्मभूमि रहा है। वर्तमान में ये जिला लोकसभा क्षेत्र होने के साथ ही प्रदेश की 403 विधानसभाओं में एक है और यहाँ से वर्तमान विधायक हैं समाजवादी पार्टी की रुचिवीरा। अगर विधानसभा के इतिहास पर नजर डालें तो पहले विधानसभा चुनाव के दौरान ही अस्तित्व में आई बिजनौर सीट। वर्तमान में सपा की रुचिवीरा यहाँ से विधायक हैं। 2014 के उपचुनाव में विजयी हुई थी रुचिवीरा। बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र की सांसद बनने के बाद रिक्त हुई सीट। 2002 और 2012 में यहां से बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र विधायक बने। 2007 में बीएसपी के शाहनवाज यहां से चुनाव जीते। 1991, 1993, 2002 और 2012 में यहां बीजेपी को जीत मिली। 1996 और 2007 में बीएसपी प्रत्याशी यहां से विधानसभा पहुंचा। कांग्रेस को अंतिम बार 1985 में जीत हासिल हुई। समाजवादी पार्टी को एकमात्र जीत 2014 के उपचुनाव में हासिल हुई। बिजनौर से चुनाव जीतने वाली एकमात्र महिला विधायक हैं रुचिवीरा। उपचुनाव में जीत हासिल कर विधायक बनी रुचिवीरा एक बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हमने अपनी पड़ताल में हाल जाना बिजनौर विधानसभा में विकास का और परखा विधायक के वादों और दावों को और जनता से जाना आखिर डेढ़ साल में विधायक का काम कैसा रहा। आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? पुलों का निर्माण। देखिए, एक तो गंगा के ऊपर बालावाली का पुल कहलाता है, गंगा का पुल है, 1 किलोमीटर की उसकी चौड़ाई है। एक तो लगभग 50 करोड़ की लागत से वो पुल निर्माणाधीन है और 3 पुल बन रहे हैं छोहिया नदी के ऊपर मेरी विधानसभा में। हमारा जो बालावाली का पुल का जो निर्माण कराकर हमारी रुचिवीरा ने बहुत अच्छा किया, इस बारे में जो है ना हम सभी क्षेत्रवासी विधायक साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जो है दो राज्य का जोड़ मिला दिया ने, बहुत अच्छा काम किया। और बालावाली का जो पुल बना है इसमें भी हमारे क्षेत्र का विकास है और इससे हमें बहुत फायदे हैं। इसमें हमारा पुल बनने से हम अपना माल गंगा पार बेच सकते हैं। विधायक रुचिवीरा ने हमारे लिए बहुत फायदा दिया है। इस बार जो हमारी विधायक उपचुनाव में रुचिवीरा जी जीती हैं, उन्होंने बालावाली क्षेत्र का पुल बनवाया, वो एक बहुत बड़ा काम था। इससे पहले भी एमपी, एमएलए, मंत्री रहते चले आए हैं, कोई किसी ने कुछ इतना बड़ा काम नहीं कराया। जब से मैं जन्मा हूँ तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा विकास देख रहा हूँ विधायक रुचिवीरा के माध्यम से, शायद ना हमें देखने को ना मिले, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में जो है शुरुआत मैडम ने की है। जैसे एक हम भी गए हैं वहाँ बालावाली क्षेत्र में, हमारे रिश्तेदारियाँ भी हैं, बहुत मतलब बैकवर्ड क्षेत्र था वो, लेकिन माननीय विधायिका जी ने जो है अखिलेश जी मतलब अखिलेश सरकार से जो है सिफारिश करके उस पुल का निर्माण करा करके जो दोनों जिलों का जो है आवागमन जारी किया है। जो हमारे क्षेत्र की विधायक कुंवर रानी रुचिवीरा जी हैं, उन्होंने जो बालावाली पर पुल का निर्माण कराया है उससे हम लोगों को भी और क्षेत्र के सब लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। हम ट्रक वालों को भी अब पंजाब और हरिद्वार राज्य और आपका इधर क्षेत्र 50-30-40 किलोमीटर कम हो जाएगा और इससे हम लोगों को काफी फायदा होगा। दूसरा ऐसा काम बताइए जिससे जनता आपको वोट करे। संपर्क मार्ग का कार्य। दूसरा काम मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी विधानसभा में 144 पीडब्ल्यूडी के संपर्क मार्ग हैं, उनमें से 122 संपर्क मार्ग और एक 22 किलोमीटर की हॉट मिक्स का चौड़ीकरण मंडावर से बालावाली। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि मेरा कार्यकाल सिर्फ अभी डेढ़ साल का ही है।
तो मैं खादर का रहने वाला हूँ और मैडम रुचि वीरा ने हमारे गांव में बहुत सड़कें बनवाई है और इसी वजह से हम उनके साथ आने वाले चुनाव में उनके साथ रहेंगे। माननीय रुचि वीरा जी ने सड़कें बनवाई और आस पास के गाँव में हमने सड़कों का काफ़ी विकास किया। मैडम विधायक रुचि वीरा जी ने हमारे गाँव में और आस पास के तमाम धोबा बेदा कचपुरा झलनी नाला बहुत गाँवों में जो है सड़कों का काम किया है। हमारे पास के गाँव में रुचि वीरा ने इतना विकास कराया, इतनी सड़कें बनवाई है, आसपास के गांव में भी तमाम सड़कें बनवा दी और इसलिए पूरे गांववासी रुचि वीरा के तन मन धन से आने वाले 2017 के चुनाव में सब सहयोग के साथ पूरा जो है चुनाव में तन मन धन से साथ दे। जो मैडम ने रुचि वीरा हैं विधायक हमारी, इन्होंने इतना विकास कार्य सड़कों का कराया है, आज से 50 साल पहले भी किसी ने नहीं कराया। हम ये चाहते हैं सभी ग्रामवासी और क्षेत्रवासी कि मैडम बार बार चुनाव जीत के आए और उन्हें जिताने के लिए जो जी जान से प्रयास होगा वो पूरा किया जाए। आपके कार्यकाल का तीसरा बड़ा काम क्या रहा? गंगा के कटान क्षेत्र में ठोकर निर्माण। तीसरा काम मैं बताना चाहती हूँ कि गंगा के कटान से कई गांव खत्म हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे, उनको रोकने के लिए 14 स्टड गंगा के किनारे पे बने हैं लगभग 18-18.5 करोड़ की लागत से। रुचि वीरा जी ने हमारे क्षेत्र खादर क्षेत्र में बहुत ही विकास कार्य किए हैं और सबसे बड़े मेन कार्य उन्होंने गंगा तट पर स्टड बनाकर किया है। हम गांववासी सभी जो एक बाढ़ आती थी उसमें परेशान रहते थे और हमारी फसलें तबाह हो जाती थी, घर गंगा में समा जाते थे, जब से उन्होंने स्टड बनवाए हम चैन की सांस ले रहे हैं। हमारे क्षेत्र में पहले बाढ़ आती थी गंगा से बहुत तबाही होती थी, पूरे गांव के गांव तबाह हो जाते थे। माननीय विधायक जी ने यहाँ ठोकरे बनवाई हैं, ये स्टड लगवाए हैं जिससे कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा हो जाएगी। जब से हमारी जो खादर क्षेत्र में निवास करते हैं हम, उसमें जो गंगा बह रही थी काफ़ी इधर उधर कटान किया, उसमें कटान के बारे में हमारे ग्रामवासियों ने गुहार मैडम से लगाई और मैडम से गुहार लगाने के बाद हमारे गांव का काफ़ी विकास हुआ। पक्की ठोकरे 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर की ठोकरे लगाई, इस पर बनवाए पिचिंग बनवाई, इससे हमारे गाँव का कटान रुक गया है। जो हमारी विधायक रुचि वीरा जी हैं, इन्होंने हमारे क्षेत्र में जो है इतना आज तक किसी ने भी सांसद या विधायक ने काम नहीं किया जितना जो है हमारे यहाँ रुचि वीरा जी ने काम किया। ये गांव जो आज बचे हुए हैं रुचि वीरा जी वैसे बचे हुए हैं, इन्होंने 14-15 ठोकरे जो है हमारे क्षेत्र में लगाए जो आज भी तैयार है। चौथा ऐसा काम जिसे लेकर जनता के बीच जाएंगे। लोहिया और जनेश्वर मिश्र गाँव में विकास। 18 लोहिया ग्राम और 18 ही जनेश्वर मिश्र ग्राम मेरी विधानसभा में चयनित हुए हैं इन 1.5 सालों में। काफी हद तक काम पूरा हो चुका है और कई गांव में अभी काम चल भी रहा है। जब से हमारा गांव लोहिया में आया है रुचि वीरा जी ने अच्छा काम किया है इस गांव के लिए और हमेशा हम रुचि वीरा के साथ है, 2017 में भी हम उनके साथ रहेंगे। विधायक रुचि वीरा जी ने हमारे 4 बंगाली गांव हैं, 2 बंगाली गांव को लोहिया आवास मतलब लोहिया गांव में ले लिया है और इतना विकास कराया है, हमारे बंगाली लोग 2017 के लिए पूरे तनमन के साथ विधायक जी के साथ हैं। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं इस गांव का रहने वाला हूं और मेरा गांव लोहिया में आ गया है और ये मेरा मकान भी लोहिया में आया हुआ है और हम ये रुचि वीरा की तरफ से आया हुआ है और 2017 के उसके आने वाले चुनाव में हम उनके साथ में हैं। ये गांव जब से मैडम जी ने लोहिया में कराया है तब से इस गांव में पूर्ण विकास चल रहा है, रेगुलर काम चल रहा है और हर महीने एक राउंड हमारे गांव का वे खुद ले रही हैं आके और देख रही हैं काम चल रहा है या नहीं, और वास्तविक में इतना काम हुआ है यहाँ पे कि इससे पूर्व में कभी इतना काम नहीं हुआ। और यहाँ पे जब से हमारा गांव लोहिया में आया है हम बहुत खुश हैं, बहुत हद से ज़्यादा खुश हैं। जी हमारी विधायक है रुचि वीरा, ये भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम लोग इनके साथ में रहते हैं और हमारे जितने गांव के भी आदमी हैं सभी साथ में रहते हैं यहाँ पर। ये हमारे जो गांव ग्राम चांदपुर नवाद लोहिया में आया और ये सारे जो है सदर विधायक हमारी रुचि वीरा जी ने कराया है
और तब से ये लोहिया में आया तब से इस गांव का काफ़ी विकास शुरू है, काफ़ी अच्छा विकास है। और आने वाले समय में जो सन 2017 में जो है सब लोग फिर इन्हीं मतलब वोट देगा, पूर्ण बहुमत से इन्हें जिताएंगे। बिजनौर विधायक रुचि वीरा के दावों के बीच हमने जनता की राय जानी, आखिर लोग किस हद तक विधायक से संतुष्ट हैं। समाचार प्रेस की पड़ताल में रुचि वीरा पास होती नजर आई। बहरहाल 2017 में जनता भी तैयार है फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए। पास या फेल का आखिरी फैसला जनता के ही हाथ में है। देखना होगा आधे कार्यकाल के लिए ही विधायक बन पाई रुचि वीरा, इस बार 5 साल के लिए विधायक बनती है या नहीं। बिजनौर से समाचार प्रेस के लिए अरशद जैदी के साथ मोहम्मद फहद की रिपोर्ट।